रवीना टंडन का जन्म रवि टंडन और वीना टंडन के घर मुंबई में हुआ था। बचपन में टंडन एक पायलट आईपीएस अधिकार बनना चाहते थे। रवीना ने कभी भी एक्ट्रेस बनने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब वह जेनेविसिस वीआर में फहाद कक्कड़ के साथ प्रसिद्धित के रूप में काम कर रही थी तो उनके दोस्त और आसपास के लोगों ने उनके लुक की तारीफ की, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह बॉलीवुड में जगह बना सकती है। शुरुआत में वह फिल्म करने को लेकर अनिच्छुक थी और उन्होंने फिल्मों से ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन किसी तरह पर्दों ने उन्हें मारा लिया और फिर पत्थर के फूल आई। जब वह छोटी थी तो उन्हें संजय दत्त पर बहुत बड़ा क्रश था। उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की नहीं की और 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि फिल्मों में उनकी लोकप्रियता के कारण कॉलेज अधिकारियों के लिए उनके आसपास की भीड़ को नियमित करना मुश्किल हो रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अक्षय कुमार से गुपचुप तरीके से सगाई कर ली थी, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया क्योंकि अक्षय अपने करियर और फीमेल फैन फॉलोइंग को लेकर चिंतित थे। टंडन लाडला दिलवाले मोहरा खिलाड़ियों का खिलाड़ी जिद्दी बड़े मियां छोटे मियां जैसी कई व्यावसायिक सफल फिल्मों में नजर आ चुके हैं और दूल्हे राजा रवीना ने इसी का नाम जिंदगी और सिंपली बातें विद रवीना जैसी टीवी शो होस्ट किया है। उन्होंने सबसे बड़ा कलाकार ड्रामा कंपनी और नच बलिए 9 जैसे टीवी शो को जज किया है। अभियान से 2 साल के ब्रेक के कारण उन्होंने कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है और गुप्त जैसी फिल्मों करने से इनकार कर दिया। रेखा के साथ अक्षय के लीक अप की अफवाहों और उनकी केसानोवा छवि के कारण उन्होंने रिश्ते तोड़ दिया। उन्होंने फिल्म दबन ए विकेटम ऑफ मेरिटी और वर्लाइस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 70 के दशक के मशहूर खलनायक मैकमोहन उनके मामा थे। रवीना अभिनेत्री किरण राठौड़ और निर्माता मंजरी मांकीकरनी चचेरी बहन है। टंडन को 2003 से 2004 तक चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। 2005 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम रवीना उनके पिता के नाम रवि और उनकी मां के नाम वीना से मिलकर बना है। वह अपने माता पिता को अपनी प्रेरणा मानती है। बताया जाता है कि उनके इशारों में फिल्म बॉम्बे वेलेट की थी और इसके लिए उन्होंने कई फीस नहीं ली थी। 2017 में टंडन फिल्म सब में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने 13 साल छोटे अभिनेता के साथ रोमांस किया। फिल्म में बहुत सारे बोल्ड सीन थे और इसे टेलीविजन पर रिलीज करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।